तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होंगे आप लोग और आपकी सेहत को सब अच्छी होगी। तो आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ कि अगर आप लोग स्काई फोर्स रिलोडेड खेलते होंगे तो इसमें आपको सबसे बेस्ट प्लेन आपके लिए कौन सा है। तो जैसा कि मेरे पास जो प्लेन का मेरा पूरा पिटारा है मैं दिखा देता हूँ। क्लासिक, एम्बुलेंस, ग्लेडियस, इन्फोर्सर, आयरन क्लैड, स्विफ्ट जस्टिस, लिम्ब ब्रिस्कर, एस ऑफ स्पेड्स और ये ऑक्टोपस। मेरा जो जब मैं शुरू में गेम खेल रहा था तो ऑब्वियसली ये वाली द क्लासिक आपको शुरुआत में यही प्लेन मिलता है। फिर बाद में जैसे जैसे आप पार्ट्स इकट्ठा करते जाते हो प्लेन बाकी खुलती जाती है। मैं इस प्लेन के बाद मैं ये ऑक्टोपस सबसे बेस्ट मानता था बिकॉज इसमें से वो मिनी रॉकेट्स आप जैसे देख पा रहे होंगे, फायर्स मिनी रॉकेट। तो ये मेरा सबसे बेस्ट प्लेन होता था। बट बिलीव मी, मेरा बेस्ट प्लेन अब द क्लासिक ही है। ठीक है, ये एम्बुलेंस मैं बता देता हूँ किसका किसका क्या क्या काम होता है। आप किस हिसाब से आप अपना प्लेन यूज़ कर सकते हो फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मतलब आपको अगर रेस्क्यू करना है तो इसकी रेस्क्यू स्पीड बहुत अच्छी है, इसकी इंक्रीज फायर पावर बहुत शॉर्टर। इसका ऐसा होता है कि ये इसकी रेंज बहुत ही छोटी होती है लेकिन फायर पावर ना फुल रहेगी, मैक्स फायर पावर गेम के स्टार्टिंग से ही रहेगी। इसमें ऐसा रहता है कि मेन कैनन डैमेज प्लस 10%, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेन है। ठीक है, इसका ऐसा है कि इसका हेल्थ ज़्यादा रहता है, अगर आपको डैमेज ज़्यादा पड़ गया फिर भी आपका प्लेन डिस्ट्रॉय नहीं होगा। स्विफ्ट जस्टिस में ऐसा रहता है कि इसका पूरा सीधा सीधा जाता है, मतलब पूरा एक बैग पूरा सीधा सीधा चला जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसके काफ़ी स्टेजेस भी खेले हुए, 1 से लेकर 9 तक, फिर 12। फिर ये आता है लिम्ब ब्रिस्कर, इसका मैक्स फायर पावर तो मतलब शुरुआत से ही मैक्स फायर पावर रहेगा, बट ऐसा होता है कि एक गोली लगी आप ख़त्म। इसमें ऐसा होता है कि ये कार्ड हंटिंग में सबसे अच्छा होता है। कार्ड हंटिंग बोले तो क्या होता है, कार्ड हंटिंग ये होता है, मेरे पास देखिए सारे कार्ड्स हैं मेरे पास, ये जो कार्ड्स हैं जो अलग अलग स्टेजेस में आपको अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल में मिलते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वो वाला जो एस ऑफ स्पेड्स वाला जो प्लेन है ये वाला वो यूज़ कर सकते हो। ऑक्टोपस में ऐसा है कि इसका फायर पावर भी अच्छा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 से लेकर 30 तक मैंने ये सब में खेला। तो ऑक्टोपस में ऐसा होता है कि इसका जो मिसाइल पावर होता है अच्छा होता है, प्लस मेन कैनन डैमेज और विंग कैनन डैमेज ये सब अच्छा होता है। बट बिलीव मी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेन द क्लासिक है। क्यों क्लासिक मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक कार्ड मिलता है जो कि शायद ऐसा किया है कि मैंने पूरा कार्ड्स को मतलब पलट दिया है एक साथ। तो इसमें ये जो 24 नंबर वाला कार्ड है न्यू बोनस स्कोर बोनस और न्यू वेपन क्लासिक फॉर द क्लासिक, ठीक है, न्यू वेपन फॉर द क्लासिक, ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है, बिलीव मी ये कार्ड अगर मिल गया ना आपको तो आप द क्लासिक छोड़ के कोई प्लेन यूज़ करोगे ही नहीं, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि ये प्लेन, इसकी अगर मास्टरी आपने कर ली ना, जैसे कि मैं एक स्टेज भी खेल के दिखा देता हूँ, इसकी अगर आपने मास्टरी कर ली तो बाय गॉड मैं बता रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेन है। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, मैं नाइट ऑल खेल रहा हूँ, ये भी नहीं कि मैं हार्ड या फिर कोई अच्छा वैसा स्टेज खेल रहा हूँ, मैं नाइट में स्टेज खेल रहा हूँ। सबसे बेस्ट गेम ये सुपर चार्ज वाला और सबसे बेस्ट आपका जो पायलट होता है वो ये सब आप और
जाते जाते मैं ये बता देता हूँ कौन सा आपको पायलट सबसे बेस्ट होता है आपके लिए, तो ब्रूटन पैनिक, ठीक है, ब्रूटन पैनिक मेरा बेस्ट है। ग्रिंगो स्टार में स्टार मिल जाता है, केट ब्रश में आपका अगर पहला डैमेज मिल गया तो वो ब्रश कर देगा, तो आपको जो नो डैमेज वाला जो स्टार होता है वो मिल जाएगा, बट ये ब्रूटन पैनिक ये मेरा बेस्ट है, मैं इसको ही सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ब्रूटन पैनिक में आप जब भी इसका पायलट को लगेगा कि हाँ प्लेन पैनिक स्टेज में आ गया है, तो कोई ना कोई पावर अपने हिसाब से यूज़ कर लेगा, आइदर शील्ड एक्टिवेट कर देगा या फिर क्या कहते हैं कि लेज़र मार देगा या फिर मेगा वॉम ब्लास्ट कर देगा, तो ये उसकी खुद की पावर है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और स्काई फोर्स रिलेटेड की और भी वीडियोस आती रहेंगी मेरे चैनल पे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। जैसा कि देख सकते हैं मेरा पूरा अपग्रेडेड है, तो मैं काफ़ी टाइम पहले खेलता था और नाइटमेयर के भी सारे, हाँ ये 13 स्टेज थोड़ा सा मतलब जो स्टे अनटच्ड वाला होता है ये नहीं हो पा रहा है, बट बाद में कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, अगर पसंद आई तो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।